बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ यास्मीन। सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच के बीच इस वक्त पूरे देश में एक नई बहस ने जन्म ले लिया है। ये बहस है रिया के उस एक इंटरव्यू को लेकर जो उन्होंने एक लीडिंग चैनल को दिया और खुद पर लगे सभी आरोपों का खंडन कर दिया। इस इंटरव्यू के बाद सड़क से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक बस एक ही मुद्दा छिड़ गया है कि क्या ये इंटरव्यू होना चाहिए था या नहीं। अपने इंटरव्यू के जरिए रिया चक्रवर्ती ने बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पर भी निशाना साधा है। रिया ने बिहार के डीजीपी द्वारा औकात वाली टिप्पणी पर बयान देते हुए कहा कि किसी ने मुझे मेरी औकात बताई है कि मेरी औकात क्या है। मेरी औकात ये है कि मैं सुशांत से प्यार करती हूँ। किसी ने मुझे विश्वकर्मा भी बुलाया है। किसी ने तो कहा कि मैं ब्लैक मैजिक करती हूँ, उन्हें कैसे पता। तो ये था रिया की ओर से बिहार के डीजीपी को उनका जवाब। हालांकि रिया ने उनके नाम का जिक्र नहीं किया है, लेकिन ये बात सभी जानते हैं कि औकात शब्द का प्रयोग कुछ दिन पहले गुप्तेश्वर पांडे ने उस रोज किया था जब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। उसी रोज बिहार के डीजीपी ने रिया की औकात पर टिप्पणी की थी। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान को लेकर माफी भी मांगी थी। चलिए सुनाते हैं आपको गुप्तेश्वर पांडे का वो बयान। बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है। उसने कुछ किए थे उसको पहले। रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने की। पटना पुलिस की जांच सही थी, पटना पुलिस जो कर रही थी बिल्कुल कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से सही काम कर रही थी। और बिहार के मुख्यमंत्री ने जो सपोर्ट किया, आज सुशांत को अगर न्याय मिलने की उम्मीद बनी है, इस मुकाम तक लड़ाई पहुंची है, तो बिहार के मुख्यमंत्री के सपोर्ट के कारण।